शांति। आज 29 नवंबर 2022 की बाबा की साकार मुरली है। मुरली के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है, इसलिए देवी फजीलत यानि मैनर्स धारण करो, आसुरी अवगुणों को छोड़ते जाओ, पावन बनो। प्रश्न है, देवी मैनर्स धारण करने वालों की परख किस एक बात से हो सकती है? उत्तर है, सर्विस से। कहाँ तक पतित से पावन बने हैं और कितनों को पावन बनाने की सेवा करते हैं? अच्छे पुरुषार्थी हैं या अभी तक आसुरी अवगुण हैं? यह सब सर्विस से पता चलता है। तुम्हारी यह ईश्वरीय मिशन है ही देवी फजीलत सिखलाने की। तुम श्रीमत पर पतित मनुष्य को पावन बनाने की सेवा करते हो। गीत है, ओम नमो शिवाय, ओम शांति। भक्ति मार्ग में महिमा करते हैं, शिवाय नमः। ऊंचते ऊंच शिव, उनको ही शिव परमात्माए नमः कहा जाता है। ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः कहा जाता है और शिव परमात्माए नमः फर्क हुआ ना। परमात्मा एक है, वह ऊंचते ऊंच है, उनकी महिमा भी ऊंच है। इस समय ऊंचेते ऊंचा कर्तव्य करते हैं, उनका धाम भी ऊंचेते ऊंचा है, नाम भी ऊंच है। और किसको परमात्मा नहीं कहते, परमात्मा के लिए ही गायन है। हे पतित पावन, आते भी हैं पतित दुनिया और पतित शरीर में। पतित शरीर का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। इसमें प्रवेश कर कहते हैं, मैं बहुत जन्मों के अंत वाले साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करता हूँ। सूक्ष्म वतन वासी संपूर्ण ब्रह्मा में नहीं आते हैं। खुद कहते हैं, इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आता हूँ। बहुत जन्म लेते ही हैं राधे कृष्ण। उनके बहुत जन्मों के अंत का जन्म साधारण है। ऐसे तो कहते नहीं हैं कि मैं पावन शरीर में प्रवेश करता हूँ। भगवान उवाच, मैं साधारण तन में आता हूँ। अब भगवान जरूर आ करके इस साधारण तन द्वारा आत्माओं को बैठ समझाते हैं कि मैं परम पिता परमात्मा हूँ। मैं कृष्ण की आत्मा नहीं हूँ, न ब्रह्मा विष्णु शंकर की आत्मा हूँ। मैं परम पिता परमात्मा हूँ, जिसको शिव परमात्माए नमः कहा जाता है। मैं इसमें आया हूँ। मैं सूक्ष्म वतन वासी ब्रह्मा में प्रवेश नहीं करता हूँ। मुझे तो यह पतितों को पावन बनाना है। मेरे द्वारा ही वह सूक्ष्म वतन वासी ब्रह्मा पावन बना है, इसलिए उनको सूक्ष्म में दिखाया है। कितना अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु मनुष्य सुनी अनसुनी कर उल्टी बातों पर चलते रहते हैं। आसुरी बुद्धि से सुनते हैं, ईश्वरीय बुद्धि से सुने तो संशय सब मिट जाए। त्रिमूर्ति का चित्र दिखाने बिगर समझाना मुश्किल है। उन्होंने त्रिमूर्ति ब्रह्मा नाम रख दिया है, क्योंकि शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की रचना रचते हैं। तुम बच्चे अभी सम्मुख बैठे हो, सब पतित से पावन बन रहे हैं। जितना शो बनेगा वह सर्विस से दिखाई पड़ेगा। यह अच्छा पुरुषार्थी है, इनमें अजुन अवगुण है। देवताओं में देवी गुण थे, हर एक अपने आसुरी गुण और उन्होंने देवी गुण वर्णन करते हैं। अभी आसुरी अवगुणों को छोड़ना है, नहीं तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। बाप समझाते हैं, बच्चे देवी गुण धारण करो, खान पान चलन में फजीलत चाहिए। पतित मनुष्यों को
बद फजीलत कहेंगे। देवताएं फजीलत यानि मैनर्स वाले हैं, तब तो उनका गायन है। हर एक को पुरुषार्थ करना है, जो करेगा सो पाएगा। अब भगवान तुमको सहज राजयोग और ज्ञान सिखला रहे हैं। ज्ञान सागर एक बाप है, जो तुम्हें ज्ञान देकर सदगति में ले जाते हैं। उन्हें ही सुखदेव भी कहा जाता है। तो यहाँ की सब बातें न्यारी हैं। जो ब्राह्मण बनने वाले होंगे, उनकी ही बुद्धि में यह ज्ञान बैठेगा। बहुत करके पूछते हैं, दादा को ब्रह्मा क्यों बनाया है? बोलो, इन बातों को बैठकर समझो। हम तुमको इनके 84 जन्मों की कहानी सुनाई। सब ब्रह्मा कुमार कुमारिया पावन बन देवता बन जाएंगे। पावन बनने बिगर वर्षा मिल नहीं सकता। भगवान ऊंचते ऊंच निराकार शिव बाबा हैं। वर्षा देने के लिए जरूर ब्रह्मा तन में आएगा। यह प्रजापिता ब्रह्मा है। सूक्ष्म वतन वासी ब्रह्मा को प्रजापिता नहीं कहेंगे। वहाँ थोड़े ही प्रजा रचेंगे। हम ब्रह्मा कुमार कुमारिया साकार में हैं, तो प्रजापिता ब्रह्मा भी साकार में हैं। यह राज आकर समझो। हम इस दादा को भगवान नहीं कहते, यह प्रजापिता है। इनके तन में शिव बाबा आते हैं पावन बनाने। यहाँ कोई पावन है नहीं। त्रिमूर्ति शिव के बदले त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह दिया है, परंतु त्रिमूर्ति ब्रह्मा का कोई अर्थ नहीं है। ब्रह्मा को मनुष्यों का रचयिता भी कहते हैं, इसलिए प्रजापिता कहा जाता है। इसमें वह निराकार प्रवेश कर वर्षा देते हैं। सूक्ष्म वतन वासी ब्रह्मा पावन हैं, वह पतित से पावन बनते हैं। हम ब्राह्मण भी पतित से पावन देवता बनते हैं। शिव परमात्माए नमः कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा जाता है। भगवान ही भक्तों का रक्षक है, वही सबको सदगति देंगे। पतित पावन हैं तो जरूर आकर पतितों को पावन बनाएंगे। पहले पहले पावन हैं लक्ष्मी नारायण, वे जरूर पुनर्जन्म लेते होंगे। 84 जन्म पूरे होने से फिर साधारण मनुष्य बन जाते हैं। उनमें फिर बाप प्रवेश करते हैं। तो यह व्यक्त ब्रह्मा वह अव्यक्त ब्रह्मा। सूक्ष्म वतन में सृष्टि नहीं रची जाती है। अक्सर करके लोग इस बात पर मूंझते हैं, तो तुमको समझाना है। बाप कहते हैं, मैं बहुत जन्मों अर्थात 84 जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ। भारत में पहले देवी देवता आए, वह फिर पिछाड़ी में हो जाएंगे। फिर पहले वही जाकर देवी देवता बनेंगे। विराट रूप का चित्र भी जरूर होना चाहिए। बच्चों ने अर्थ सहित बनाया है। ब्राह्मण चोटी देवता सिर क्षत्रिय भुजाएं वैश्य पेट शूद्र पैर शूद्र के बाद फिर ब्राह्मण वर्णों का भी चक्र हुआ ना। यह भी समझना और समझाना है। बाबा ने बहुत बार समझाया है कि अखबार में पढ़ता है फलाना स्वर्गवासी हुआ, तो उनको चिट्ठी लिखनी चाहिए कि स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नर्क में था और अब है ही नर्क, तो जरूर पुनर्जन्म नर्क में लेंगे। अगर स्वर्ग में गया फिर तुम उनको बुलाकर नर्क का भोजन क्यों खिलाते हो? तुम रोते क्यों हो? परंतु इतनी बुद्धि नहीं है जो समझे कि स्वर्ग की स्थापना तो बाप ही आकर करते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। तुम ब्राह्मण संगम पर बाप से वर्षा ले रहे हो, बाकी सब है कलयुग में। संगम पर आत्मा परमात्मा मिल रहे हैं। इनको कुंभ का मेला कहा जाता है। तुम ज्ञान गंगाए
ज्ञान सागर से निकली हो, भक्ति में समझते हैं, गंगा में स्नान करने से पावन बन जाएंगे। पावन बनाना तो तुम्हारी मिशन का कर्तव्य है। यह है ईश्वरीय मिशन। तुम ही पतित मनुष्य को पावन देवता बनाते हो श्रीमत पर। श्री कृष्ण पतित पावन नहीं है, वह पूरे 84 जन्म लेते हैं। पहले है लक्ष्मी नारायण, फिर अंत में ब्रह्मा सरस्वती, आदि देव आदि देवी बनते हैं। शिव परमात्माए नमः गाते भी हैं, हे परमपिता परमात्मा, आपकी गत मत सबसे न्यारी है। वह श्रीमत देते है गति के लिए, गति और सदगति, दुर्गति वालों की सदगति करने वाला। उनकी श्रीमत सब मनुष्यों से न्यारी है। बाकी भक्ति मार्ग ही घोर रात्रि, आधा कल्प ही ज्ञान दिन। शिव बाबा कहते हैं, मैं अंधियारी रात में आता हूँ रात को दिन बनाने। यह ज्ञान एक ही ज्ञान सागर शिव बाबा के पास हैं। ऋषि मुनि आदि सब कहते आए हैं कि परमात्मा बेअंत हैं। बाप को नहीं जानते तो गोया नास्तिक ठहरे। आधा कल्प है नास्तिक, आधा कल्प है आस्तिक। तुम अब बाप को बाप की रचना की आदि मध्य अंत को जानते हो, और कोई नहीं जानते। इसलिए कहा जाता है निधन के अनेक धर्म अनेक मते हो गई हैं। अब बाप कहते हैं, इस पुरानी दुनिया का संन्यास करना है, याद करना है शांति धाम और सुख धाम को। जितना याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, सिर्फ पवित्र बनो। धंधे बिगर गृहस्थ कैसे चलेगा? सिर्फ पवित्र बनना है और बाप को याद करना है। बाप कहते हैं, मैं सोनार भी हूँ। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं, इसलिए तुम्हारी आत्मा जब पावन बने तब फिर शरीर भी पावन मिले। सच्चे सोने का जेवर भी ऐसा बनेगा ना। अब तो आत्मा और शरीर दोनों ही आयरन एजड हैं। फिर पावन बनाने की युक्ति बाप बताते हैं। इसलिए कहते हैं, तुम्हारी गत मत श्री मत सबसे न्यारी है। अभी तुम जानते हो यह सदगति का रास्ता कोई बतला नहीं सकते हैं। गायन होता है तो जरूर कुछ करके गए हैं। अभी कलयुग है, फिर सतयुग होना है। संगम पर तुम बैठे हो, तुम ब्रह्मावंशी ब्राह्मण हो, कमल फूल सम पवित्र रहते हो। तुम्हारी माया के साथ युद्ध है। माया से ही कई फेल हो जाते हैं। काम का घुसा जोर से लगता है। बाबा कहते हैं, खबरदार रहो, अगर गिरा तो फिर किसी को कह नहीं सकेंगे कि काम महाशत्रु हैं। बाप कहते हैं, फिर भी पुरुषार्थ करो। एक बार हराया, दूसरी बार हराया, फिर अगर तीसरी बार हराया तो खत्म, पद भ्रष्ट हो जाएगा। प्रतिज्ञा की है तो उस पर पूरा रहना है। प्रतिज्ञा कर फिर पतित नहीं बनना चाहिए, परंतु सब तो प्रतिज्ञा पर कायम नहीं रहते हैं, गिरते भी रहते हैं। कोई फिर बाप को छोड़ भी देते हैं, बहुत भागने वाले भी हैं। अंत में तुमको पूरा साक्षात्कार होगा कि कौन क्या बनेंगे। पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए। जो दुख देते हैं वह दुखी होकर मरते हैं। बाप तो सबको सुख देने वाला है। तुम्हारा भी काम है सबको सुख देना। कर्म नामे भी किसको दुख दिया तो दुखी होकर मरेंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बेहद के बाप के साथ पूरा फरमान बरदार वफादार होकर रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति मात पिता बाप ददा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की सिखलते रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है बाप के साथ वफादार फरमान बरदार होकर रहना है, कभी किसी को दुख नहीं देना है। दूसरी पॉइंट है बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए पवित्र बनने का पुरुषार्थ करना है। काम की चोट कभी नहीं खानी है, इससे बहुत सावधान रहना है। आज का वरदान है मालिकपन की स्मृति से शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। मालिकपन की स्मृति से शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। विश्लेषण है बाप द्वारा जो भी शक्तियाँ मिली हैं उन सर्व शक्तियों को कार्य में लगाओ। समय पर शक्तियों को यूज करो। सिर्फ मालिकपन की स्मृति में रहकर फिर ऑर्डर करो तो शक्तियाँ आपका ऑर्डर मानेगी। अगर कमज़ोर होकर ऑर्डर करेंगे तो नहीं मानेगी। बाप दादा सभी बच्चों को मालिक बनाते हैं, कमज़ोर नहीं। सब बच्चे राजा बच्चे हैं क्योंकि स्वराज आपका बर्थ राइट है। यह बर्थ राइट कोई भी छीन नहीं सकता। आज का स्लोगन है त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर हर कर्म करो तो सफलता मिलती रहेगी। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर हर कर्म करो तो सफलता मिलती रहेगी। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। अब यह जो हम कहते हैं कि प्रभु हम बच्चों को उस पार ले चलो, उस पार का मतलब क्या है? लोग समझते हैं उस पार का मतलब है जन्म मरण के चक्र में न आना, अर्थात मुक्त हो जाना। अब यह तो हुआ मनुष्यों का कहना, परंतु वो कहते हैं बच्चों सचमुच जहाँ सुख शांति है दुख अशांति से दूर है उसको कोई दुनिया नहीं कहते। जब मनुष्य सुख चाहते हैं तो वो भी इस जीवन में होना चाहिए। अब वो तो सतयुगी वैकुंठ देवताओं की दुनिया थी जहाँ सर्वदा सुखी जीवन थी, उसी देवताओं को अमर कहते थे। अब अमर का भी कोई अर्थ नहीं है। ऐसे तो नहीं देवताओं की आयु इतनी बड़ी थी जो कभी मरते नहीं थे। अब यह कहना उन्हों का रॉन्ग है क्योंकि ऐसे है नहीं। उनकी आयु कोई सतयुग त्रेता तक नहीं चलती है, परंतु देवी देवताओं के जन्म सतयुग त्रेता में बहुत हुए हैं। 21 जन्म तो उन्होंने अच्छा राज्य चलाया है और फिर 63 जन्म द्वापर से कलयुग के अंत तक, टोटल उन्होंने जन्म चढ़ती कला वाले 21 हुए और उतरती कला वाले 63 हुए। टोटल मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। बाकी यह जो मनुष्य समझते हैं कि मनुष्य 84 लाख योनियां भोगते हैं, यह कहना भूल है। अगर मनुष्य अपनी योनि में सुख दुख दोनों पार्ट भोग सकते हैं तो फिर जानवर योनि में भोगने की ज़रूरत ही क्या है? अब मनुष्यों को यह नॉलेज ही नहीं। मनुष्य तो 84 जन्म लेते हैं, बाकी सृष्टि पर जानवर पशु पंछी आदि टोटल 84 लाख योनियां हो सकती हैं। अनेक किस्म की जैसे पैदाइश हैं उसमें भी मनुष्य मनुष्य योनि में ही अपना पाप पुण्य भोग रहे हैं और जानवर अपनी योनियों में भोग रहे हैं। न मनुष्य जानवर की योनि लेता और न जानवर मनुष्य योनि में आता है। मनुष्य को अपनी योनि में यानी जन्म में भोगना भोगनी पड़ती है।
तो दुख सुख की महसूसता आती है। ऐसे ही जानवर को भी अपनी योनि में सुख दुख भोगना है, मगर उन्होंने यह बुद्धि नहीं कि यह भोगना किस कर्म से हुई है। उनकी भोगना को भी मनुष्य फील करता है, क्योंकि मनुष्य है बुद्धिवान। बाकी ऐसे नहीं, मनुष्य कोई 84 लाख योनियां भोगते हैं, जड़ झाड़ भी योनि लेते हैं। यह तो सहज और विवेक की बात है कि जड़ झाड़ ने क्या कर्म अकर्म किया है जो उनका हिसाब किताब बनेगा। जैसे देखो, गुरु नानक साहब ने ऐसे महावाक्य उच्चारण किए हैं, अंत काल में जो पुत्र सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सुवर की योनि में वल वल उतरे। परंतु इस कहने का मतलब यह नहीं है कि मनुष्य कोई सुवर की योनि लेता है, परंतु सुवर का मतलब यह है कि मनुष्यों का कार्य भी ऐसा होता है जैसे जानवरों का कार्य होता है। बाकी ऐसे नहीं कि मनुष्य कोई जानवर बनते हैं। अब यह तो मनुष्यों को डराने के लिए शिक्षा देते हैं, तो अपने को इस संगम समय पर अपने जीवन को पलटाए पापात्मा से पुण्यात्मा बनना है। अच्छा, ओम शांति।